हेलो फ्रेंड्स, सभी भाई बहनों मित्रों को नमस्ते, राम राम। तो सोयाबीन की सब्जी बनाने जा रहा हूँ, देखते रहें कैसे बनाता हूँ। तो इसमें ऐड करता हूँ ये राइस ब्रैन ऑयल, इसे खाता हूँ, हेल्थ कार्ड ऑयल है आश्रम कंपनी का। इसमें इतनी सी मेथी डाल देता हूँ ताकि कोई पेट दर्द वगैरह ना हो। ये जीरा डाल रहा हूँ, जीरा मेथी हल्दी, ये रोग प्रतिरोधक होते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें डाल रहा हूँ मैं हल्दी, ये अंदाज लगभग आधे चम्मच के आसपास, और ये डाल रहा हूँ किंग ऑफ टेस्ट सॉल्ट, नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये लहसुन है, इसको काट के कूट के इसको ऐसे कूटते हैं, लहसुन कूट गया, और इसको रखेंगे। ऐसा डाल दिया सोयाबीन, इसमें डाल रहा हूँ 1 लोटा पानी, और इसको कर दिया हमने, इसको गैस को दिया ऑन, और इसके ऊपर देते हैं ये, और अब देते हैं ढक्कन। अब ये पकते रहेंगे तब तक आटा लगा लें या फिर कोई दूसरा काम करते रहें, बाद एक आटा तो आते आते होते हैं बनाते हैं। ये देखो सब्जी में उबाल चल रहा है, नमक ऐड कर दिया, धनिया डाल दिया, लगभग गड़ी हो गए। सोयाबीन बहुत हल्की सब्जी है, जो मांस मांस इतने ठंडे नहीं खाते हैं, उनको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि तो लोग खाते नहीं। सुबह सुबह पहला पीस रोटी का है वो जानवरों के लिए बनाते हैं। तो बाजरे का आटा था जिसमें पानी थोड़ा ज्यादा डल गया था, इसलिए इसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिला दिया, और अब इसको रोटी बनाने लायक बना दिया। इस दो रोटियां बनेंगी, और पहली रोटी तो डाल दी तवे पे, और दूसरी तो बनाऊंगा। और मेरा यह कहना है कि सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और हमारे शरीर को प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है, इसलिए सोयाबीन की सब्जी खाएं। और साथ ही आयरन आयरन के लिए बाजरा, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, तो बाजरे की रोटी खाएं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, HB बढ़ेगा, आपने सुना होगा। तो बहुत बढ़िया रहती हैं सोयाबीन की सब्जी और बाजरे की रोटी, जरूर बनाएं, खाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं। वीडियो पे लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए आए हैं ज्वाइन कर लें बेल बटन के साथ, आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद।